तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर, जिसके लिए मैंने कुछ देर पहले ही चावल को भिगो के रख दिया था। और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को चावल की खीर तो पसंद होगी ही, और सावन का महीना भी चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं एक यम्मी सी और हमारी टेस्टी सी चावल की खीर। तो जिसके लिए सबसे पहला ना मैंने 2 पैकेट फुल क्रीम दूध ले लिया है, यानी कि समथिंग समथिंग 1 लीटर दूध होगा, है ना, 2 पैकेट में दूध ले लिया है मैंने, इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और उसके बाद अपने जो भिगाए हुए चावल थे 10-15 मिनट, तो उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं, इसको भी ऐड कर दिया है। इसके बाद फिर हमें अपने जो दूध है उसको चलाते रहना है थोड़ी देर तक, और इसमें बॉयल अबवाना है, ठीक है। तो गैस का फ्लेम भी मेरा हाई है क्योंकि मैं अभी साथ में हूँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं उसको छोड़ के तो गैस का फ्लेम स्लो करके जाइएगा वरना आपका दूध निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें अपने चावल ऐड कर देती हूँ, जैसे ही आपके दूध में बॉयल आ जाए अपने चावल ऐड कर दीजिएगा। और मेरे दूध में बॉयल आ चुका है आप देख सकते हैं, तो मैंने इसमें अपने चावल ऐड भी कर दिए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे कम होने लग गया है दूध, और आपको अपना दूध थोड़ा सा कम करना है, और आप चाहें तो और ज़्यादा चावल ले सकते हैं। मैंने मतलब दूध के हिसाब से बहुत कम लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा दूध वाली खीर पसंद है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी खीर पसंद है तो आप इसमें और चावल ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साइड में कैसे मलाई जम रही है, तो इसको हमें छुड़ाना है और इसमें मिक्स करना है। इससे जो है कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी खीर की, और खीर और भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और यमी बनेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को यहीं पर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, और मेरे चैनल पर जाके आप पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है स्लो, और फिर इसको ढक दिया है क्योंकि अब बहुत देर हमें खीर को थोड़ा स्लो फ्लेम पर भी पकाना होता है, जिससे कि चावल अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैंने चावल पहले से बॉयल नहीं करे। अगर आप पहले से बॉयल करके डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मैंने सोचा ना दूध में पकाते हैं तो चावल का फ्लेवर अलग ही आता है, इसलिए मैंने उसको पानी में नहीं पकाया है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर ढक ढक के पका रही हूँ, जिससे कि हमारे जो चावल है वो अच्छे से गल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है, और आपको अगली रेसिपी किसकी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी चावल अच्छे से हुए नहीं है, मैंने चेक करा है। इसके बाद मैं इसे फिर से ढक देती हूँ, और स्लो गैस पे पका रहा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टीम से पक रहे हैं, और ये मलाई देखिए कितनी अच्छे से मलाई भी छोड़ रहा है हमारा दूध। तो बस इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे अपनी मलाई को बार बार, और आप चावल चेक कर लिया करिएगा बीच बीच में एक आध बार, और इसे चलाते रहिएगा जिससे कि नीचे ना लगे। अगर आपकी खीर नीचे लग जाएगी तो जो खीर है उसमें अलग ही स्मेल हो जाती है, फिर खीर उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो आप साइड से ऐसे मलाई को छुड़ा लें आपकी मलाई चिपक जाए तो, और साथ में आप इसमें अपनी चीनी तो डालनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डालिएगा, और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, और वो भी तब डालिएगा जब आपकी खीर बिल्कुल बनने वाली हो। तो अब मेरे चावल पक चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है अच्छी तरीके से, और दूध भी आप देख सकते हैं पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी कम हो चुका है। मैं इसको थोड़ी देर और ढक के पकाऊंगी, जैसे कि दूध और खीर, मतलब दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए और खीर और भी ज़्यादा यम्मी बने। तो अच्छे से बॉयल आ गया है इसमें, आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है स्लो से, और ना मैंने फिर से स्लो कर दिया है। इसको चलाते रहना है हमें कुछ देर, और अगर खीर खानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो इसको थोड़ा सा चलाते रहिए, अच्छे से मिक्स करते रहिए। और ये देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ, तो अब तो चावल बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं। बस अब इसको 5 मिनट और ढक के पका लेते हैं, उसके बाद इसमें अपने अगले इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने इसको थोड़ी देर स्लो गैस पर फिर से छोड़ दिया था। अब इसके बाद आप देख सकते हैं चावल और खीर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं पहले के अकॉर्डिंग, पहले कढ़ाई बिल्कुल ऊपर तक भर रही थी, अब कम हो गए हैं, और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं गाढ़ी हो गई है, चावल दिख रहे हैं, पहले बिल्कुल दूध में नीचे बैठे हुए थे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, और चावल पक भी चुके हैं, ठीक है। तो हमारी खीर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग में है, अब चावल बिल्कुल पक चुके हैं, और यही सही टाइम होता है चीनी डालने का, जब आपके चावल भी पक जाए और खीर भी अच्छे से पक जाए, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स होने का भी टाइम मिल जाता है। तो इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले मखाने ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना वो डालिएगा, किशमिश, काजू, पिस्ता, जो भी पसंद है वो सब डालिएगा। मैं किशमिश पसंद नहीं करती हूँ, और काजू वगैरह भी, इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे खीर में बादाम और मखाने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने वो ऐड कर दी है। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया उसी सेम कटोरी में, और मैंने चावल से थोड़ी सी कम डाली क्योंकि मैं थोड़ा कम मीठा पसंद करती हूँ। आप चाहें तो और लोग तो दो कटोरी भी डालते हैं जिनको मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो ये आपके ऊपर है पूरा, आपको कैसा मीठा पसंद है। और आप देख सकते हैं हमारी खीर कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है दिखने में, और कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, इसकी कंसिस्टेंसी भी टोटली चेंज हो चुकी है, और
इसका टेस्ट इतना यम्मी था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसा करिए, आप इसे जाइए और बना के ट्राई करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैंने अपनी खीर को सर्व कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको बादाम से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है और फिर उसके बाद आप ये देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा यम्मी बनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाती रहूँगी। जब तक के लिए आप सबको बाय बाय।